अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जो जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, इनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हम लोगों के मदीना में पूरे 3 दिन रह गए हैं और आज हमने शॉपिंग अपनी करना स्टार्ट कर दी। अभी दोपहर की नमाज पढ़ के आए हैं और आते साथ ही अब गाड़ी देखते हैं, बैठ उसके अंदर अपनी शॉपिंग करने जाते हैं। हम देखते हैं कौन सी मार्केट के अंदर जाते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है हमने जाना बंगाली मार्केट का पूछा था। तो शॉपिंग जो सी करनी है ना, जो हमारे जो से मखसूस रिश्तेदार वगैरह हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी शॉपिंग जो उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेने हैं वो लेंगे। और जो सा मेन काम है खजूरों का, और खजूरें भी लेंगे। तो बेसिकली हम जा रहे हैं खजूरें ही लेने। तो बड़ी दस बंदे आ जाएंगे यार। टाइम लग जाना, हमने उसे रोका कि हमें बंगाली मार्केट जाना। बंगाली मार्केट अभी तो 2 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन उसने कहा 30 रियाल दे रहे हैं, मैं ले दूँगा। लेकिन 30 रियाल ज़्यादा है, क्योंकि साथ ही है, 2 किलोमीटर भी नहीं है रास्ता। तो अभी और देखते हैं, और भी आती है तो फिर हम वो भी चुवाते हैं। अभी हम लोग बंगाली मार्केट पहुंच गए हैं। यहाँ से ये रास्ता है बंगाली मार्केट का, ठीक है। और ये सारी मार्केट बनी हुई है यहाँ पे, ये सारी, और ये दुकानें वगैरह बनी हुई हैं। अभी चलते हैं अंदर। सबसे पहले मेरे ख्याल में खजूरें ही लेंगे, तो खजूरें देखते हैं जाके क्या रेट है। और यहाँ पे जाय नमाजें वगैरह पड़ी हुई हैं, और हर तरह का सामान पड़ा हुआ है ना यहाँ पर, टोपियाँ, तस्बीह, हर चीज़ों सी होती है। एक इतना ना मार्केट के अंदर रश वगैरह नहीं है, सारी मार्केट ना खाली। मेरे ख्याल में जब रात हो जाएगी ना, इशा के बाद रश लगना शुरू हो जाएगा, फिर तो मेरे ख्याल में यहाँ से बंदा गुजर भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा रश होगा यहाँ पे। 110 रियाल दर्जन 110 रियाल। यहाँ पे काफ़ी किस्म की गाड़ियाँ वगैरह भी पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे भी पड़ी हुई हैं। ये इतर वगैरह ये भी है, और इस साइड पे भी आ जाती हैं, ये सारी पड़ी हुई हैं। ये जो ये वाली जो सी जैन माज है ना, ये जो सा ये कारपेट वाली, ये रियाजुल जन्ना के अंदर जो सा कारपेट है ना वो वाली, और इसका अकेले का 70 रियाल बता रहा है, एक का 70 रियाल। दो रियाल मिलता है, दस बीस नहीं मिलता भाई, दो चार रियाल मिलता है, दौदिया मार्केट में इतना नहीं मिलता। अच्छा भाई, स्विस्टन कंपनी की वॉच है, स्विस्टन। एक भाई ने स्विस्टन कंपनी की वॉच में भाई, अब मैंने भाई से पूछा तो वो कह रहे हैं नहीं है हमारे पास। तो वो कह रहे हैं ये वाली पड़ी हुई है जो सी है, स्विस्टन कंपनी वाली कोई भी नहीं है हमारे पास। आप लोगों को पता होगा दिशान जो सा सेटअप पर होता है लड़का छोटा, ठीक है, उसके लिए भी घड़ी लेनी है। तो वो भी अभी ढूंढनी है, कोई घड़ी मिल जाए तो उसके लिए भी एक लेंगे। तो अभी मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन कोई पसंद नहीं आ रही इसके लिए ना। अभी असर का टाइम है ना, इसलिए ना दुकानें खुली नहीं हुई सही तरह से ना, जो सी खुली हुई हैं वो रेट बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। तो असर के बाद सही दुकानें खोलेंगे तो फिर हम अच्छे से शॉपिंग कर लेंगे। और ये देखें असर का टाइम हो गया, ये भी दुकान भाई बंद करके चला गया, और ये वाली भी बंद है दुकानें। इस वाली दुकान के अंदर खिलौने वगैरह पड़े हुए हैं, ये गन वगैरह, ये लेज़र वाली है भाई साहब, ये लेज़र वाली है गन के, कोई चीज़ डलती है इसके अंदर, बॉल वगैरह डलता है इसके अंदर। ओ ये वाली तो वाली लेज़र वाली है ना, हाँ। कोई यहाँ पे कोई चीज़ में हमें डलेगी नहीं, बॉल वगैरह है। कितने की है ये? नहीं, ये वाली यहाँ पे कुछ चीज़ है, ये वाली 65 रियाल की बताई है भाई ने, लेकिन समझ नहीं आ रही इसके अंदर डलना क्या है। और ये वाली तो दूसरी जो सी आवाज़ निकाल दी है, लेज़र वाली वो है। ये भी छोटी छोटी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, अभी लेते हैं ये वाली भी।
एक ये वाली भी है, लेकिन इनका फ़ायदा नहीं, ये ख़राब हो जाती हैं दो तीन दिन के अंदर अंदर। ये घड़ियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये ख़राब होंगी या सेल वगैरह डालने हैं इसके अंदर। नहीं, ये वाली चल रही है घड़ी, तीसरे हाल वाली दो दो, एक में दस है, दस बी तस्वीर इसके साथ भी एक और ये एयरबड्स कितने के हैं ये वाले? ये ANC ये 90 रियाल के बता रहे हैं भाई इसके, और कंपनी जो सी है ये जो है रूम ऐसे करके ANC हेडसेट 90, काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। मेरे पास पहले है थे आइडियोनिक वाले जो से एयरबड्स होते हैं ना, तो वो ख़राब हो गए थे, तो अब ये मैंने इससे पूछा तो रेट वगैरह तो सेम ही है, वो भी मैंने 5-6 हज़ार के लिए थे, और ये भी अगर 90 रियाल बता रहा है तो ये बता रहा ना, तो ये भी 5-6 हज़ार ही बनता है, तो अभी लेने तो हैं मैंने, तो अभी इंशाल्लाह इससे थोड़े अच्छे देखते हैं, तो वो अगर मुझे मिल जाते हैं तो फिर बेस्ट हो जाएगा वो ले। जब पार्किंग वाली साइड पर आया हूँ, और अभी आप लोगों को पता है फिर औरतों की शॉपिंग जो सी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो अभी घर वाले शॉपिंग कर रहे हैं अपनी, जब वो शॉपिंग कर लेंगे उसके बाद जाके फिर दूसरे काम होंगे, तो अभी तक उनकी शॉपिंग ही नहीं ख़त्म हो रही। तो मैं वैसे नीचे आया था बेसमेंट में, तो मैं अभी देखता हूँ कि उनकी अगर शॉपिंग हो गई है तो फिर आगे चलते हैं अगली भी शॉपिंग करें, और इन्होंने तो काफ़ी टाइम लगा देना यहाँ। काफ़ी बड़ी मार्केट है, और ये देखिए इनके नीचे जो सी पार्किंग है, यहाँ पे भी पार्किंग है, यहाँ पे भी, और इस साइड पे भी है, और इधर दूसरी साइड पे भी है इनकी पार्किंग, वो सारी जो सी है, ये भी पार्किंग काफ़ी बड़ी मार्केट है ये वाली। जो सी छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी ना वो ले ली हैं, अब जो सा मेन काम है ना वो खजूरें हैं और जायनमाज़ें लेनी है। जायनमाज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे हैं, और अब किसी और मार्केट में जाएंगे वहाँ पे देखेंगे जायनमाज़ें कैसी किस रेट पे दे रहे हैं, तो फिर वहाँ से जायनमाज़ें लेंगे और उसके बाद चदरें वगैरह लेंगे और फिर इंशाल्लाह वापस जाएंगे। अभी ज़िशान के लिए ये वाली घड़ी पसंद आई है, तो अभी देखते हैं कितने की है और फिर इसे ले लेते हैं, अच्छी लग रही है ना ये वाली, तो ये वाली ले लेंगे। हेलो, गुड्डी ले लो, गुड्डी गुड्डी गुड्डी। ज़िशान के लिए घड़ी ले ली है, और अब एक और दोस्त है उसके लिए भी लेनी है, तो वो भी मैं चेक कर रहा हूँ कोई अच्छी सी मिल जाए, और ये वाली ऐसी की नहीं लेनी, कोई चेन वगैरह वाली हो ना वो वाली, इस साइड पे ये वाली भी लगी हुई हैं सारी यहाँ पे, और वो भी अजलान के लिए ये वाली ली है, ये मिली है 50 रियाल की, और राफे के लिए ली है ये वाली, ये मिली है 100 रुपये की, 100 रियाल की ये वाली, और ये पैक हुई पड़ी है यहाँ पे ये चीज़ें सारे खिलौने वगैरह। इतनी देर घूमने के बाद फाइनली हमने सारी शॉपिंग कर ली है, और अब लास्ट में हमारी खजूरें रह गई हैं, अब वो लेंगे और फिर हम वापस घर चले जाएंगे, तो अभी शाम हो गई है। अभी इस टाइम जो साथ में मेरे शॉप पर है इसके अंदर सब बच्चों के खिलौने हैं, गाड़ियाँ वगैरह हैं, और उसके अलावा बैग वगैरह लिए हैं, डॉक्टर सेट वगैरह लिए बच्चों के लिए, और इस तरह की 2-3 और गाड़ियाँ वगैरह ली हुई हैं, और बच्चों का ही ज़्यादा होता है, वो तो अब कंप्लीट हो गया, अब बड़ों का सामान रह गया वो लेते हैं। अभी जायनमाज़ें भी हो गई हैं हमारी, और ये जो सी आराम के अंदर क्लीन है, एक ये वाली ली है, और दूसरी जो सी एक ये वाली, और 10 जो सी दूसरी सिंपल होती हैं जो सी देनी है लोगों को, वो वाली ली है हमने। تعال جيب يدك انا علمك تعال بالله يطلعك الكون ثاني الله يرحم امك يدك كيف انا ما يحط كبير حبه صغيره حقي هرين حقك हमारी शॉपिंग हो गई थी, अब खजूरें लेने आए खजूर मंडी के अंदर, तो उसे भाई से अजवा पूछी, उसने कहा बताया कि जैसे अजवा खजूर है ना 40 रुपये किलो, 40 रुपये किलो अजवा खजूर की पाई है उसने, तो हमें यही था कि 25-30 रुपये की किलो होगी। मंडी के अंदर हम अपने साथ खजूरों का जो सा एक्सपर्ट बंदा ना वो वाला साथ लेकर आए हैं, और वही हमें खजूरें लेकर देकर, और हमने खजूरें जो लेनी है कम अज़ कम भी 3 से 3.5 मन खजूरें लेनी है हमने, तो अभी इंशाल्लाह अभी आए हैं और अभी देखते हैं क्या बनता है। अभी किलो 8 रियाल हाँ सफाई
अजवा जू है तो बिल्कुल जबरदस्त है, मेरी रेट बहुत ज्यादा है। अले नहीं जिले से हुआ बाहर किलो है ना। हां आधा से तेरे यार आधा रुपए मर रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाजम लाजम انا سوى هذا كرتون كله ممكن زياده 20 اخر اخر يمكن زياده 20 كيلو هذا ما في مشكله زياده ما في مشكله طيب اس بھائی سے ریڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ مان نہیں رہا ہے وہ جو سا کاٹن ہے وہ 25 سے 25 یا 30 کلو کا کاٹن ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے لیکن وہ مان نہیں رہا ہے ضرور بہت زبردست ہے जैसे जूसी अजवाइन ना वो तो बरीक बरीक सी हैं और ये वाली जूसी है ना ये वाली सही बेहतरीन और ताज़ा है। लेकिन सही है कमी बार ऐसे बताना ऐसे اول خلص هذا بس ده مدير ولا ما ده انا كويس يعني استري سبعة ثلاثين برضو ماين ما في مشكلة ما في مشكلة سبعة ثلاثين ماين طبعاً والله مرة زيادة उस बंदे को कह कह के थक गया लेकिन वो मान नहीं रहा। 40 रियाल की किलो बता रहा है तो हमने कहा 20 की दे दो लेकिन वो नहीं दे रहा। वो है 25 किलो अजवा खजूर है, बहुत बेहतरीन खजूर है, उससे कम क्वालिटी की पड़ी, उससे अच्छी क्वालिटी की कोई नहीं पड़ी और वो बेहतरीन क्वालिटी की है। अब देखते हैं पता नहीं क्या बनना है अब उसका। और यहाँ पर भी ये दो सी दुकानें बनी हुई हैं, ये भी हैं और ये मंडी बनी हुई है। ज़्यादातर तो लोग चले गए हैं यहाँ से लेकिन अभी हैं थोड़े से ही हैं। صبه كله طلع خليه يشوف لو هذا ممكن اوله وصبه فوقه لا عندي انا صفي هذا ها ها هذا تحت कलमी में अभी मिली है और ना ही अंबर मिली है, अभी सिर्फ जो सी मिली है वो है अजवा खजूर मिल गई है हमें। और ये काटन यहाँ पे भी रखा हुआ है, अभी गाड़ी में इसको रखते हैं और उसके बाद फिर कलमी और जो सी अंबर वगैरह है वो वाली जाके ढूंढते हैं। और जो सी कलमी है ना वो 30 रियाल की बता रहा है, ठीक है, और ये वाली फ़ाइनल हमें 23 रियाल की दी, 35 रियाल की इससे दी, 40 थी तो 35 रियाल फाइनल की है। ये सारी पीछे सारी खजूर वाली मंडी है, ये अंदर ये वाला हिस्सा भी, उससे अगला भी और उससे अगला भी, सारी ये वाली मंडी है। और यहाँ पर गाड़ियों में भी लेकर बैठे हुए हमने, अभी सिर्फ गाड़ियों में ही जो से लेकर बैठे हुए ना वहाँ से ही हमने ली है अजवा वाली, और अभी अंदर जाके घूमें फिरेंगे और वहाँ पर हम दूसरी खजूरें जो से हमने लेनी है ना वो वाली ले लेंगे हम। जो सी हमने अजवा खजूरें ली है ना ये टोटल है 24 किलो, ठीक है, 24 किलो को आप लगा लें 35 या 7 ज़रब दें तो ये कम से कम भी कोई 750-800 रियाल बनता है, तो इतने की अभी हमें सिर्फ ये अजवा खजूरें मिली हैं। अभी भाई लोग उससे वही कलमी वाली का हिसाब रेट कर रहे हैं कि हमें कोई 20 रियाल पे मिल जाएं, तो वो हमने तकरीबन 1.5-2 मन लेनी है कलमी खजूर, तो वो क्या क्या नाम है उसका 30 से नीचे आ ही नहीं रहा, वो कह रहा है 30 वो उससे नीचे आ ही नहीं रहा, इतना ज़िद्द कर रहा है वो। अभी हमें बहुत ज़्यादा ना महंगाई होगी है यहाँ पे, हमारा जो सा यहाँ पे 1 रियाल हमारे पाकिस्तान का 66 रुपये बनते हैं, 66 रुपये बनते हैं 1 रियाल, तो इतनी ज़्यादा इन्होंने महंगाई कर दी, हर चीज़ इतनी महंगी है यहाँ पे। हर बंदा यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें ले रहे ना कोई थोड़ी बहुत अच्छे वाली, तो बंदे का पाकिस्तानी ना 50 से 60 हज़ार रुपया ना। तो दोस्तों हमारी जो सी शॉपिंग थी वो भी होगी और खजूरें भी अलहमदिल्ला से हमारी हो गई हैं कम्प्लीट और हम अब होटल जा रहे हैं। तो यही था आज का ब्लॉग, मेकर तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को मेरे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। नेक्स्ट वॉर्ड में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये ऊपर वाली।